नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। उत्तरकाशी ब्रेकिंग। गंगोत्री हाईवे पर खाई में गिरी कार, चार लोग थे सवार। गंगोत्री मार्ग पर सड़क हादसा हुआ जिसमें एक की मौत हो गई, वहीं तीन लोग घायल हो गए। कार के परखच्चे उड़ गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, वहीं घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा। मिली जानकारी के अनुसार गंगोत्री हाईवे पर भटवाड़ी से हर्षिल गंगोत्री की ओर जा रही एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। डबरानी व गंगनानी के बीच हुए हादसों में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को CHC भटवाड़ी में प्राथमिक उपचार देने के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार रात 9:30 बजे एक कार हर्षिल गंगोत्री की ओर जा रही थी जो डबरानी व गंगनानी के बीच अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरे। हादसे में हर्ष मिश्रा निवासी औरैया उत्तर प्रदेश की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं रितेश उर्फ अंशुल, रमेश सिंह व विशाल कुशवाहा तीनों निवासी औरैया उत्तर प्रदेश घायल हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस व SDRF की टीम मौके पर पहुंचकर मृतक व घायलों को निकाला। ऋषिकेश। कार से कर रहे थे शराब की तस्करी, 26 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस को नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने ऑल्टो कार में शराब तस्करी कर रहे एक तस्कर को 12 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं पूछताछ के बाद आरोपी की निशानदेही पर उसके एक अन्य साथी धनपाल के घर छापेमारी कर पुलिस ने 14 पेटी और अंग्रेजी शराब बरामद की है, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया जिसकी तलाश जारी है, एक पुलिस की गिरफ्त में भी है। देहरादून में IMA के पास सड़क हादसा, पेड़ से टकराया ब्रेड दूध ले जा रहा ट्रक, एक की मौत। देहरादून में IMA के पास शुक्रवार करीब 4:35 सुबह सड़क हादसा हुआ जिसमें एक की मौत हो गई जबकि एक घायल हुआ है जिसका इलाज जारी है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ही घायल को 108 की मदद से दून अस्पताल भेजा। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह दूध और ब्रेड ले जा रहा वाहन IMA के पास पेड़ से टकरा गया। इस हादसे में चालक और परिचालक दोनों घायल हो गए। परिचालक ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुआ जबकि चालक को हल्की चोटें आई। दोनों को तुरंत दून अस्पताल ले जाया गया जहां घायल परिचालक राजकुमार निवासी खन्ना सिटी लुधियाना पंजाब का उपचार के दौरान मौत हो गई, वहीं वाहन चालक हरप्रीत सिंह पुत्र गुरमीत सिंह निवासी ग्राम लोट बद्दी थाना लोट जिला लुधियाना पंजाब को मामूली चोटें आई है, उसका उपचार जारी है। बता दें कि वाहन को क्रेन के जरिए सड़क से हटाए ट्रक के आगे के हिस्से को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी जोरदार। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की और इसकी सूचना परिजनों को दी। रिकवरी क्रेन खाई में गिरने से तीन घायल, लैंडस्लाइड से बचने के चक्कर में हुआ हादसा। थाना कैंटी क्षेत्र में रिकवरी क्रेन गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में चालक समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नैनबाग में भर्ती कराया गया है। भारतीय सेना के पर्वतारोहियों को संतोपन चोटी पर मिले शव के अवशेष, DNA टेस्ट से होगा खुलासा। भारतीय सेना के पर्वतारोहियों को संतोपन चोटी के आरोहण के दौरान शव के अवशेष मिले हैं जिसे सेना के दल ने पुलिस को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि शव के अवशेष साल 2005 में संतोपत आरोहण में गए सेना के लापता जवान के हो सकते हैं। हरिद्वार में बोरे में मिला महिला के शव का खुलासा, दो आरोपी UP से गिरफ्तार। बीते 14 सितंबर को थाना सिरकुल क्षेत्र में नाले से बोरे में मिले महिला के शव मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को UP से बदायूं से गिरफ्तार किया है। अनैतिक कार्य को लेकर दोनों आरोपियों ने महिला को कमरे पर बुलाया था, पैसे के लेन देन को लेकर उनमें झगड़ा हो गया जिसके बाद दोनों आरोपियों ने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी थी। आंचल डेयरी से जुड़े दुग्ध उत्पादकों के लिए खुशखबरी, प्रोत्साहन राशि जारी। उत्तराखंड आंचल डेयरी से जुड़े उत्पादकों को पिछले 1.5 साल से दुग्ध उत्पादन की प्रोत्साहन राशि नहीं मिली थी। शासन ने 22 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के जारी कर दिए हैं। ऐसे प्रदेश के आंचल डेयरी से जुड़े करीब 54,000 दुग्ध उत्पादकों को इसका लाभ मिलेगा। कोरे आश्वासनों से खफा कृष्णा नगर कॉलोनी के लोग, लगाए गंभीर आरोप। IDPL क्षेत्र अंतर्गत करीब 5 दशक से बसी कृष्णा नगर कॉलोनी को नगर निगम में शामिल करने की मांग लंबे समय से हो रही है, लेकिन इसके बावजूद लोगों की मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा जिससे लोगों को असुविधाओं के बीच जीवन यापन करना पड़ रहा है। PRD जवानों को बड़ी राहत, अब ट्रेनिंग के बाद मिलेगा प्रमाण पत्र। PRD जवानों को उनकी ट्रेनिंग के बाद प्रमाण पत्र निर्गत करने का सिलसिला शुरू हो गया है। इससे पूर्व PRD जवान ट्रेनिंग तो कर रहे थे लेकिन उन्हें ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा था जिसके चलते वे विभिन्न विभागों में अपनी सेवा देने से वंचित हो रहे थे, जिसके कारण इन जवानों ने आंदोलन भी शुरू कर दिया था जिसके फलस्वरूप अब प्रमाण पत्र निर्गत शुरू हो गए हैं। SSP जन्मे खंडूड़ी ने 7 इंस्पेक्टर्स के किए ट्रांसफर।
एसएसपी जन्मे खंडूड़ी के निर्देश पर 7 इंस्पेक्टर्स को इधर से उधर किया गया है। साथ ही पुलिस मुख्यालय से ट्रांसफर किए गए निरीक्षकों को तत्काल कार्यभार लेने के निर्देश जारी हो गए हैं। चारधाम यात्रा पर आए थे कानपुर के भाई बहन, देवप्रयाग में हुए लापता, गंगा में बहने की आशंका। कानपुर के बुजुर्ग भाई बहन उत्तराखंड के देवप्रयाग से लापता हो गए हैं। दोनों चारधाम यात्रा के लिए आए थे और देवप्रयाग में ठहरने के दौरान उन्होंने बद्रीनाथ जाने की बात कही। देवप्रयाग में संगम पर पूजा करवाने के बाद दोनों लापता हो गए। चप्पल और बैग मिलने के बाद पुलिस आशंका जता रही है कि दोनों गंगा में बह गए होंगे। यूकेडी नेता दिवाकर भट्ट समेत 4 लोग सड़क हादसे में घायल, एयरलिफ्ट किए गए। उत्तराखंड के पूर्व राजस्व मंत्री और यूकेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिवाकर भट्ट की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। दिवाकर भट्ट गंभीर रूप से घायल हुए हैं। भट्ट को एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स ले जाया गया। बताया जा रहा है कि दिवाकर भट्ट के स्कॉर्पियो कार का टायर पंतगांव देवप्रयाग के पास फट गया। भट्ट अपने 3 साथियों के साथ हरिद्वार से कीर्तिनगर जा रहे थे, तभी ये हादसा हो गया। ससुराल वालों ने नहीं दी बाइक, पति ने गुस्से में की ये हरकत। उत्तराखंड में भी दहेज के लिए प्रताड़ित करने के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। आए दिन दहेज के लिए मारपीट और प्रताड़ित करने के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला उधम सिंह नगर की बाजपुर का है, जहां पति पर दहेज में बाइक न मिलने पर मारपीट का आरोप लगाया है और पीड़िता ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम रतनपुरा फौजी कॉलोनी निवासी राजवीर कौर पुत्री विजेंदर सिंह ने तहरीर में कहा कि उसकी शादी सिख रीति रिवाज के अनुसार 23 नवंबर 2013 को मंगल पड़ाव पर्वतीय मोहल्ला वार्ड नंबर 17 हल्द्वानी निवासी रविंदर सिंह पुत्र चरण सिंह के साथ हुई थी, जिसमें माइक वालों ने घरेलू सामान गहने समेत 1,00,000 रुपए दिए थे। शादी के बाद जिंदगी सामान्य चल रही कि इसी बीच 30 अगस्त 2014 को उसने बेटी हरगुन को जन्म दिया। आरोप है कि उसका पति माइक वालों द्वारा उपहार स्वरूप दिए गए दान दहेज से खुश नहीं था और 2,00,000 रुपए की नकदी और बाइक की मांग को लेकर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न करने लगा। केदारनाथ धाम की खूबसूरती में लगे 4 चांद, चोटियों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। केदारनाथ धाम में दूसरे दिन भी बारिश जारी है। धाम की चोटियों पर एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसके बाद धाम में ठंड भी अत्यधिक बढ़ गई है। बारिश और ठंड के बावजूद भी धाम में यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी। अभी तक 3,642 तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। गाय को स्कॉर्पियो में डालकर ले गए चोर, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के आदर्श नगर में देर रात 3 चोर गली में घूम रही एक गाय को स्कॉर्पियो में डालकर ले गए। ये घटना पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें चोर पहले तो गाय को कुछ खिलाने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं, बाद में गाय को पकड़कर स्कॉर्पियो में डालकर फरार होते देखे जा रहे हैं। गाय चोरी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कैबिनेट बैठक, कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 11% बढ़ा, जानिए अब कितनी हुई सैलरी। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में आखिरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की मांग पर मुहर लगा दी गई है। सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि बैठक में 11% डीए बढ़ाए जाने की बात कही गई है, लेकिन गोल्डन कार्ड के विषय पर कैबिनेट में चर्चा नहीं होने से कर्मचारी बेहद नाराज हैं। अब कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना लिया है। पहली बार उत्तराखंड एडवेंचर फेस्ट का आयोजन, सीएम धामी करेंगे शुभारंभ। उत्तराखंड में सुरक्षित साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फिक्की फ्लो एम्पावरिंग द ग्रेटर 2 दिवसीय उत्तराखंड एडवेंचर फेस्ट का आयोजन करने जा रहा है। इसका शुभारंभ 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। खटीमा, 1 अक्टूबर से धान खरीद पर किसानों ने की बैठक, चक्का जाम की दी चेतावनी। खटीमा में किसानों ने 1 अक्टूबर से सरकार द्वारा धान खरीद पर बैठक का आयोजन किया। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने 1 अक्टूबर से धान खरीद प्रक्रिया शुरू नहीं की तो जिले में चक्का जाम किया जाएगा। दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, ग्रामीणों ने किया कोतवाली का घेराव। खटीमा में विवाहिता की हत्या मामले में परिजनों और ग्रामीणों ने कोतवाली का घेराव किया। आरोपी पति और ससुराल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।